A big trouble because of mushroom. भैया सभी लड़के पीटी पीरियड में डॉज बॉल खेल रहे हैं, पर निया को अपनी टीम में अकेला ही है। क्या वो आखिर तक गेम में डटा रहेगा? कोशिश करो। और उसी वक्त एक रूहानी शक्ति नियागो की मदद के लिए आई। जंगल में से बहुत सारे मशरूम्स के बीच एक ऐसा मशरूम है जो अपनी शक्तियाँ छोड़ता है, और जिसे भी ये शक्तियाँ मिल जाती हैं उसके लिए फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं रहता। सबसे पहली खबर है हसरू। दोस्तों, आज सारा शहर यही शब्द दोहरा रहा है। इसके पीछे जरूर कोई शक्ति है, और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हसरू। असल में हमारे इलाके में कुछ खास किस्म के मशरूम हैं जो अपनी शक्तियाँ छोड़ते हैं, और हवा से होते हुए अगर ये किसी के भी ऊपर पड़े तो इंसान बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर बन जाता है, और शायद हमारे शहर में ये भारी मात्रा में हैं। तो दोस्तों, ये थे हो सर, और इन्होंने बताया कि हमें इनसे शक्ति भी मिल सकती है, लेकिन ये यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में कि हम बीमार भी पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हवा तो बढ़ती ही जा रही है। लेकिन ये हसरू हवा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये हवा चलती जा रही है और बूढ़े लोगों पर भी बहुत जल्दी असर कर सकती है। असल में मैं बहुत थक चुका हूँ, और अपने शो को शुरू रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। हसरू इन सबको तो शर्म आनी चाहिए, पर मुझ पर इस हवा का बिल्कुल असर नहीं होगा। मेरी बॉडी तो बहुत मेंटेन्ड और ट्रेंड है ना काम? जी हाँ सर। तुम यहाँ इतने फूल क्यों ले आई हो? सर, ये फूल कैट माउंटेन की खास जगह पर खिलते हैं, और इनकी खुशबू से दिमाग और मन शांत होता है। आओ अपनी बकवास बंद करो और चलो बाहर चले। अगर हम इस हवा को शहर से बाहर निकालने में कामयाब हो गए तो मैं जरूर मशहूर बन जाऊंगा। अरे बाप रे, मुझे अच्छा शो करना था पर मैं थक गई हूँ। काफी समय से मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है ये सब उन मशरूम्स की वजह से ही हो रहा है हसरू। पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि न्याको पर उसका असर क्यों नहीं हो रहा है। सही कहा, ये बात तो मैं भी नहीं जानती। पता नहीं नकाबपोश नियांडर किस हाल में होगा। न्याको, फिलहाल नकाबपोश नियांडर को छोड़ो और हमारी फिक्र करो। मैं बहुत थक गई हूँ, पर मुझे हर हाल में इतने सारे बर्तन तो धोने ही पड़ेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बस आराम करूँ, पर मुझे होमवर्क करना है। मेरे पास कोई चारा नहीं है। तुम लोग, तुम्हारी वजह से सबको तकलीफ हो रही है, इसलिए ये हवा फैलाना बंद करो। इस हवा से कोई तकलीफ नहीं होती। ये हासू है और मैं सुरू हूँ, दोनों को मिला के बनता है हासू। तुम लोगों से तुम्हारा परिचय किसने मांगा? तुम लोग बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ। असल में हम दोनों एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा हवा छोड़ता है, और अब तो हम भी इस हवा को फैलने से नहीं रोक सकते। तो किसी और जगह दफा हो जाओ। हसरू ओ नहीं, मैं ये क्या बोल रहा हूँ? मुझे ये क्या हो रहा है? अचानक मेरे खून में गर्मी आ रही है। अचानक मुझे बहुत थकावट हो रही है। थकावट हो रही है। क्यों, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे यही शहद चाहिए था। मुझे ये बहुत पसंद है। शहद देने के लिए शुक्रिया अंकल। हाँ मैं जानता हूँ, और शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मैं जब भी कैट टाउन आता हूँ तो तुम्हारे लिए शहद तो लेकर ही आता हूँ। सही कहा ना? नकाबपोश नियांडर?
हसरू। ये यूनी एंजल, ये पी लो। मैंने इस गर्म पानी में यूहो अंकल का लाया हुआ शहद डाला है, इसे पीते ही तुम्हारी खोई हुई ताकत वापस आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, तुमने ठीक कहा। तो तुम फिर से ताकतवर महसूस कर रहे हो ना? मेरे घर पर मेरे पास मधुमक्खियाँ हैं जो एक खास फूल से शहद चूसती हैं। उस फूल को होदो होदो फूल कहते हैं। होदो होदो फूल? हाँ, ये कुछ इस तरह के दिखते हैं, और जो भी इन फूलों का शहद पिएगा उसे उन मशरूम्स की हवा का कोई भी असर नहीं होगा। कुछ समझे? शायद इसलिए मुझ पर भी इस हवा का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा ये शहद खाती हूँ। अच्छा, तो इसीलिए मैं हसरू हसरू नहीं कह रहा हूँ। अब मैं समझ गया, ये शहद तो काफी असरदार है। मुझे ये शहद सभी लोगों के लिए ले जाना चाहिए। ओ, मुझे माफ करना, मैं तो सारा शहद बेच चुका हूँ और उन फूलों का भी मौसम खत्म हो चुका है, इसलिए वो तुम्हें इस इलाके में नहीं मिलेंगे। अब मुझे चलना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मैं टाइम पर पहुंच गया। पर तुम लोगों की मदद करने के लिए अचानक क्यों आ जाते हो? और मैंने तो तुम्हें मदद के लिए बुलाया भी नहीं था। अच्छा ठीक है ठीक है, तो तुम ही वो हसरू मशरूम्स हो। अभी लोगों को तकलीफ देना बंद कर दो। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये नहीं जान लेते कौन बेहतर हवा छोड़ सकता है, और जीत मेरी होगी। ये तो किसी भी कीमत पर रुक नहीं रहे, मुझे कुछ करना होगा। अपनी ताकत सब में फैलाना अच्छी बात है, पर इससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं भी इनको यही समझा रहा था हसरू। वो फूल? ओ, ये फूल? ऐसे कई फूल मेरे घर पर हैं, शायद इसीलिए मुझ पर अन्योन से भी इनका असर नहीं हुआ। और हम पर उस बुरी हवा का असर इसलिए हुआ क्योंकि वो फूल यहाँ नहीं थे। तो कौन तुम्हें वो जगह पता है जहाँ पर ये फूल मिलते हैं? क्या तुम मुझे जल्दी से बताओगे वो जगह कहाँ है? हाँ, क्यों नहीं। देखो वो रहे वहाँ। चलो मधुमक्खियों, जल्दी आओ। ओ काश मैंने इसे पहले ही पी लिया होता, उस बेवकूफ नियांडर की मदद तो नहीं लेनी पड़ती। अब पी लेता हूँ। लगता है न्याको ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, क्योंकि उस वक्त मैं नकाबपोश नियांडर था। अगर मैं न्यागो होता तो कभी इस तरह बर्ताव नहीं करती। भैया देखिए, आपके दोस्त आए हैं। मैं यूहू अंकल वाला शहर लाई हूँ। तो नियागो वाकई में नियांडर के साथ ही वैसे पेश नहीं आ रही थी, और ये जानकर नियागो को बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों, हम आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नई और एक्साइटिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए कौन आप लोग थोड़ा थोड़ा शहद खा लीजिए।